बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपट्यून नेटवर्क की न्यू अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि नेपट्यून नेटवर्क एक डेफी सिस्टम है, मतलब कि इसमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर जो है आपको यहाँ पे कुछ परसेंटेज मिलते हैं और इनके जो एंटी टोकन है वो अनलॉक होते हैं। और वो जैसे ही अनलॉक होते हैं तो वो सन स्वैप पे जाके आप उनको स्वैप भी कर सकते हो और वहाँ से जो है प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, ये जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये इनकी जो है ओल्ड एप्लीकेशन है। मैं आपको इनकी जो है न्यू एप्लीकेशन भी बताऊँगा और आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगा कि क्या आपने वो सेव करके अपने पास रखी थी या फिर आपसे वो चीज गायब है तो फिर उसको आपने कैसे रिकवर करना है, तो वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहां पे देखें तो ये ओल्ड एप्लीकेशन है, तो हमारे पास तकरीबन 0.67 ऐसे खड़े हैं, ठीक है, यूएसडीटी खड़े हैं। और यहां पर हमारे पास जो टोकन खड़े हैं तकरीबन 50,000 टोकन है जिनकी वैल्यू $12,545 तक बनती है। ठीक है, जब हम यहां पर डेफी पे क्लिक करते हैं और यहां पर देखें तो डेफी इनकम और यहाँ पे यूएसडीटी भी है और टीआरएक्स भी है। तो यहाँ पे हमने फिलहाल डिपॉजिट नहीं किया, अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है या प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे मतलब के भागने के कोई इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है कि ये आपके $10 या $5 जो है लेके भाग जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जैसे ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब अगर चाहें आप 10 दिन यहाँ पे काम करते हैं और फिर अगर आप चाहते हैं कि जी हम तो अपना फ़ंड निकलवाना चाहते हैं, आप अपना फ़ंड जो $10 आपने डिपॉजिट किए होंगे या $100 या $50 वो उसी टाइम ही आप निकलवा सकते हैं। इसमें ये शर्त नहीं है कि आपके जो है डॉलर लॉक हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये वाला कोई सीन नहीं है। लेकिन बात ये है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट है अपने रिस्क पे करनी है, मेरे कहने पे नहीं करनी। अगर आप करना चाहें तो यहाँ से अच्छे काफ़ी अच्छा जो है मतलब आप यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड, और यहाँ पे मी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मी आ जाता है। ठीक है, मतलब कि मेरी सारी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे आ जाती हैं। ये तो है ओल्ड एप्लीकेशन, इसका इंटरफेस देखें, यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, और यहाँ पे हम चलते हैं अब हमारी जो है न्यू एप्लीकेशन पे, और ये वाली जो हमारी एप्लीकेशन है ये हमारी न्यू एप्लीकेशन है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो टोकन शो हो रहे हैं तकरीबन 50,000 टोकन की वैल्यू यहाँ पे शो करवा रहा है 13,760, वहाँ पे 12,000 करवा रहा था, यहाँ पे करवा रहा है 13,760। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें नॉट रिलीज़ कितने हैं हमारे पास, 50,000 नॉट रिलीज़ हैं। और रिलीज़ पे अगर देखें तो 0.00 शो करवा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे जो है हमने फिलहाल डिपॉजिट नहीं किया। जब भी हम डिपॉजिट नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताता भी हूँ कि कैसे मतलब कि इसका प्लान वर्क करता है, कौन कौन से प्लान पे आपको कितना कितना रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले अगर हम डेफी पे क्लिक करते हैं, ठीक है, डेफी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो डेफी है सेज 00 है। और यहाँ पे अगर रिकार्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रिकार्ड भी 0 है, और यहाँ पे क्लिक करते हैं मी वाले पे तो मतलब कि सेम प्रोसेस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे जो कोड्स आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो जितनी भी मतलब कि एक्सचेंज में यहाँ पे टोकन है, यहाँ पे देखिए BTC भी आ रहा है, इथीरियम भी आ रहा है, BNB आ रहा है, WBTC आ रहा है, ARB भी आ रहा है, TRX आ रहा है, एंड USDC भी आ रहा है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे USDT भी डिपॉजिट कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे TRX भी डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो इसकी जो प्राइस चल रही है एक एंटी टोकन की तकरीबन 0.2752 जो है इसकी फिलहाल प्राइस चल रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जी कैसे हमने डिपॉजिट करना है और सीन क्या है और कैसे हमें मिलेगा, तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि इनका यहाँ पे क्या सीन है और कैसे कैसे मतलब को यहाँ पे अनलॉक रूल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो एंटी टोकन रिलीज मेथड कैसे रिलीज होते हैं, यू मस्ट पार्टिसिपेट इन डेफी ट्रांजेक्शन बाई स्टेकिंग ए मिनिमम ऑफ 10 USDT आर 100 TRX एंड गेट एंटी टोकन रिलीज एवरी 5 डेज। The release anti token can be exchanged on the Neptune network or transferred to spotted wallet. The pledge principal and release anti token can be withdrawn at any time. There is no lock अप बिहेवर एंड दी प्रिंसिपल कैन बी डिपॉजिट एंड विदड्रॉ एट एनी टाइम। ठीक है, यहाँ पे मतलब आपको अगर यहाँ पे $10 आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या 100 TRX इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको तकरीबन 5 दिन के बाद जो है कुछ ना कुछ जो है टोकन जो है एंटी टोकन वो रिलीज़ होंगे, फिर आपको उनको जो है आप स्वैप भी कर सकते हो नेपट्यून नेटवर्क के ऊपर ही, एप्लीकेशन के ऊपर ही आप स्वैप कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, आप चाहो तो उसको ट्रस्ट वॉलेट या किसी अपने वॉलेट में भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखें रिलीज़ रेशियो, यहाँ पे रेशियो बताया गया है, अगर आप यहाँ पे 10 USDT यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे 5 दिन बाद आपको 2.5 एंटी टोकन रिलीज किए जाएंगे और जो है पूरे मंथ में आपको तकरीबन
15 टोकन मतलब के दिए जाएंगे। अगर यहाँ पे आप करते हैं 100 USDT अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो फिर आपको तकरीबन 5 दिन बाद 25 टोकन मिलेंगे और यहाँ पे आपको तकरीबन 150 टोकन मिलेगा एवरी मंथ, ठीक है। और यहाँ पे देखें अगर आप 1000 USDT करते तो मतलब जितना ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा आपकी जो यहाँ पे जो एंटी टोकन है उसकी यहाँ पे वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, वो उतने ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे, ठीक है। अभी काम वाली बात यह है कि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कहाँ से करनी है, ठीक है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपने यहाँ पे जो है कैसे डाउनलोड करनी है, ऐप लिंक पे क्लिक करोगे या साइड लिंक पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली डाउनलोड पेज पे चले जाओगे और वहाँ पे आपने डाउनलोड कर लेना है, या एंड्रॉयड ऐप लिखा होगा तो उस पर क्लिक करके आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप याद रखें थे पहले जो है आपने इसको डिलीट बिल्कुल भी नहीं करना, ओल्ड वाली को, ठीक है, ओल्ड वाली को बिल्कुल भी डिलीट नहीं करना। आपने यहां से जो है की कैसे निकालनी है, यहां पे माई वाले पे क्लिक करते हैं, माई वाले के बाद यहां पे देखें बैकअप प्राइवेट की, यहां पे अगर मैं प्राइवेट की पे क्लिक करता हूं तो यहां पे देखें वॉलेट पासवर्ड। तो जब भी आपने यहां पे अकाउंट क्रिएट हम लोग करते हैं तो हमारे पास एक पासवर्ड मांगता है, तो यहां पे अगर आपके पास वो पासवर्ड है तो आपका अकाउंट जो है वो आपके पास दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं होगा तो फिर जो है आपका अकाउंट रिकवर नहीं हो सकता, आपका सारा का सारा जो है मतलब लॉस हो जाएगा अगर आप इस एप्लीकेशन को डिलीट करते हैं तो, ठीक है। अगर आपको वो वाला बैकअप आपको मिल जाता है, आपको पासवर्ड याद आ जाता है या फिर आपके पास जो है की है मिल जाती है, तभी आप जो है न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, देन आपने बिल्कुल भी उसको डाउनलोड नहीं करना है न्यू एप्लीकेशन को, ठीक है, क्योंकि उसमें फीचर बहुत अच्छे अच्छे हैं न्यू एप्लीकेशन में और यहाँ पे स्मूथनेस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है अपना जो पासवर्ड है, पासवर्ड आपको याद होना चाहिए या फिर की जो है की आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास नहीं भी है तो कैसे इसका अकाउंट क्रिएट करते हैं उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसी वीडियो को, तो आप जो है न्यू अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी गौर से देखें और अपना सही से अकाउंट बनाएं और उस अकाउंट की जो है प्राइवेट की अपने पास संभाल के रखें, ठीक है। प्राइवेट की जो है आप संभाल के रखेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल कहीं भी नहीं जाएगा, आप जब भी चाहें जितनी भी अपडेट्स हैं फिर आपका वही अकाउंट रहेगा, ठीक है। तो ये थी आज की अपडेट और यहाँ पे मैं एक और बात भी आपको बताता चलूँ, यहाँ पे देखें तो 1.1.0.8 आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम न्यू पे चलते हैं, यहाँ पे मैं मी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें 2.0 मेरा आ रहा है अबाउट वाला, ये मेरा लेटेस्ट वर्जन इसका मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह मतलब एप्लीकेशन से आप अर्निंग भी कर सकते हैं और अपना प्राइवेट की जो है वो भी आप संभाल कर रख सकते हैं, और कैसे जो है आपने इस पे काम करना है वो सारा मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो आई होप कि ये वीडियो आज की आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जजाकल्ला।